हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवानी शर्मा कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज मैं आप लोगों को दिवाली से रिलेटेड कुछ सावधानियाँ बताना चाहती हूँ। दिवाली आ रही है तो पटाखे भी जलेंगे, और पटाखे जलते हैं उसमें कुछ सावधानी से ना जलाने पे नुकसान भी होता है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है जो आँखों का नुकसान होता है, या आपके बॉडी पर कहीं भी पटाखों से जो भी नुकसान होता है। ऐसे केसेस में जो एज ग्रुप देखा जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है 15 साल से कम उम्र के बच्चों को। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये कैसे जलते हैं, या तो वो खुद पटाखे जला रहे हों या आसपास जो लोग खड़े होते हैं उनमें से कोई भी पटाखों से जल जाता है या पटाखों से उनको हार्म हो जाता है। अब ये है कि पटाखे जलने के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, जो पटाखों से नुकसान होता है वो टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो पटाखों से होने वाली इंजरी के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ब्लंट ट्रॉमा, जो कि जोर से पटाखों के दबने की वजह से आसपास जो खड़े लोग होते हैं उनको हो सकता है, या जो जला रहा है खुद उसको भी हो सकता है। दूसरा होता है केमिकल बर्न, जो हम पटाखे जलाते हैं उनसे जो केमिकल रिलीज़ होता है उनसे भी कभी कभी आँखों को या शरीर के अदर पार्ट्स को नुकसान होता है। तीसरा होता है हीट बर्न, जो आप पटाखे जला रहे हैं उनसे कभी कभी इतनी हीट निकलती है कि उनसे आँखों को इंजरी हो जाती है, या आपके हाथ को या बॉडी के अदर पार्ट्स को इंजरी हो जाती है। हमें करना क्या होता है, थोड़ी छोटी सी सावधानियाँ हैं जिनको हम अगर बरतेंगे तो हम उस इंजरी से, हीट बर्न से, या केमिकल बर्न से, या ब्लंट ट्रॉमा से बच सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, हमें पटाखे ऐसी जगह जलाना होता है जहाँ सूखे पत्ते ना हो, आसपास कोई बिजली का तार ना हो, पर्दे ना हो, कपड़े ना हो, या फिर कोई गाड़ी ना खड़ी हो, पेट्रोल डीजल वाली कोई गाड़ियाँ ना खड़ी हो, किसी टाइप का कोई सिलेंडर वहाँ पर ना हो। ऐसी जगहों पे हमें खुले जगह में पटाखे जलाने चाहिए। पटाखों को कभी भी बॉटल में करके नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ से निकलते हैं बॉटल से, और ये आसपास किसी भी जगह पर जाकर इंजरी कर सकते हैं या आग लगाने का खतरा कर सकते हैं। फिर होता है हम आँखों को कैसे अपनी बचाएं पटाखों से, तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका, आप पटाखे जलाने जा रहे हैं आजकल एक प्रोटेक्टिव ग्लास चले हुए हैं वाइट कलर के, वो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करते हैं, आप वो ग्लास यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑप्टिकल शॉप पे वो आसानी से मिल जाते हैं, 150 के होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, फैले हुए कपड़े, बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े, नायलॉन के कपड़े या आप सिल्क के कपड़े ना पहने। सिल्क और नायलॉन के कपड़ों में या जो कपड़े फैले हुए होते हैं उनसे आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश करें सूती कपड़े पहनने की। दूसरी चीज़, जहाँ पटाखे जला रहे हैं वहाँ पे पानी की बाल्टी एक भर कर रखें, एक या दो बाल्टी भर कर रखें, कि इनकेस कभी कोई ऐसे होता है इंसिडेंट्स तो आप तुरंत वो पानी की बाल्टी से आप पानी डाल सकते हैं। और पटाखों को हाथ में ना जलाएं, पटाखों को कोशिश करें कि हाथ दूर करके जलाएं, और कोशिश करें कि पटाखों को हमेशा बच्चे अगर जला रहे हैं तो बड़ों के गाइडेंस में जलाएं, या बड़ों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे पटाखे जलाने जा रहे हैं तो बड़े उनके साथ जाएं। आजकल बच्चों को हाथ में आप लोग वो फुलझड़ी दे देते हैं, उससे जो स्पार्क निकलता है वो उससे भी कभी कभी आग लगने का खतरा होता है। बच्चों को तो पता नहीं होता, ये बड़ों को देखने होता है। इन केस कि आपको पटाखे से कोई इंजरी हो रही है या हो गई है, तो तुरंत क्या आपको करना होता है, आपको आँखों को ऐसे ऐसे करके रब नहीं करना होता है, आपको अपने मन से कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी आई ड्रॉप आँखों में नहीं डालनी होती है। इन केस कोई इंजरी हुई है तो आप तुरंत पेशेंट को लेके किसी भी अच्छे आई हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आई एम श्योर मैंने आपको जितनी भी नॉलेज दी है पटाखों से रिलेटेड, पटाखों से प्रोटेक्शन से रिलेटेड, आप उसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करेंगे और ध्यान में रखेंगे। आपको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली।